तो अभी हमारी रेंज हिटिंग जो प्रैक्टिस है वो ख़त्म हुई है। तो जैसा कि आपने देखा कि दोनों ही मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा वर्क उन पर करने की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, और साथ में उनको खुद भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है अपनी हिटिंग प्रैक्टिस पर और अपनी रेंज हिटिंग पर, दोनों पर ही। तो होपफुली उन दोनों पर मैं अच्छा वर्क करूँगा और अच्छा मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, लेकिन हम उस चीज़ों का हम कभी यूज़ नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास दिखता है ये हमें ग्राउंड हमारा अवेलेबल है, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। तो ये बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं एक क्रिकेटर के लिए, अपनी बैटिंग को अच्छा करने के लिए, अपनी बैटिंग को और इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा सारे ही बैट्समैनों को कि आप जरूर रेंज हिटिंग प्रैक्टिस वंस इन अ वीक जरूर करें, और एटलीस्ट वहां पे 50 से 100 बॉलें जरूर खेलें, ताकि आपको आपकी रेंज का पता चलता रहेगा कि आपकी रेंज बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, आपकी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो नेट्स पे उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन मैच में जाके हिट करना ये एक ईजी टास्क नहीं होता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर ओपन नेट सेशन में जाइए, और ओपन नेट सेशन अगर नहीं होता है तो अगर आपके पास चांस है रेंज हिटिंग करने का तो वो जरूर करें। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।